अध्याय 38। अलख कहे आगण सुनो नारीश्वर माँ, अतिथि गृह बंधाई गयू थयू पूर्ण सहुकाम। हतु चाल तू जा हरे अतिथि गृह नो काम, त्यारे पाणी लाववा रेवाजी थी आम। नजीक ना कोई गाम थी चतुर भाई थानदार, एक वांझणी भैंस त्या लाव्या ताती वार। रेवाजी ना घाट थी पानी लाववा, ए भैंस करती थी त्या पखाली नु काम। काम हवे त्या ना रयू पूर्ण थयू मकान, वंध्या भैंस नी त्या हवे रही जरूर ना आन। स्थान मा बांधी राखता चारो वगेरे निये, करे व्यवस्था कौन ने कौन पाल वे के। छोड़ी मुके तो पछी करे पाक भेलाण, आजू बाजू ना खेत रे करे खूब नुकसान। तेथी वंध्या भैंस आ सौ भक्तोनी एम, शिरो वेदनानु अरे बनीति कारण थे। शीरी ते कही थी हवे टाळविया बलाय, ए विचारे भक्त सौ अंतर माकड़ाय। अंतरयामी अवधूत आ भक्त हृदय नी बात, क्षण मा मुझवण तेमनी जानी गया साक्षात। अवधुत जी कई रंज थी विचारता निज मन, गरज सही के वैद्य मुओ केवा स्वार्थी जन। जा सुधी आ भैंस थी लेवु तू जो काम, त्या सुधी आ भैंस ने पाली पोषी आम। गरजपति गई वाह, इडले भैंस बला रूपे लागवा लागी आह। केबु स्वार्थी जगत आ विचार ताव धूत, इटला मा तो आविया दास काका तूर्त। अवधुत जी ये पूछियू अरे काका दास, शेनी मुझवण मातमो बधा पड़या छो खास। वंदन करी बहु विनय थी दास जी बोल्या एम, अरे प्रभु आवाझणी भैंस नु करबू के। राखिए तो कौन पालवे ने काढ़ी मुकिए आन, खेतर उभा पाक ने करे खूब नुकसान। आ तो आपत नो अरे गड़े बंधायो घंट, छोड़ो तो छूटे नहीं करे नाद प्रचंड। तेनु शु करवू हवे एनी चिंता थाय, लावी दीधी लावता हयु हवे अकड़ाय। केम करी ने टाळवी बला अही थी एना विचारे सर्व जो मुझाया छे ते। सुनी वचने दासना खूब हस्याव धूत, मध झरता शब्दे पछी बोल्या विठल सूत। अरे दास आ भैंस नु हतु जा लगी काम, क्या लगी रा
રાખી તમે ખવાડતા વળી આ કામ હવે પતી ગયું ગરજ સરી ગઈ આપ એટલે ભેંસ બલા થઈ લાગે છે પરિતાપ કેવા સ્વાર્થી છો તમે એમ કહી તે વાર અવધૂતે બોલાવ્યા ચતુર ભાઈ થણદાર અને પછી આજ્ઞા કરી અરે ચતુર ભાઈ અધ્ય લઈ જાઓ આ વાંઝણી ભેંસને તમ ઘર સત્ય લીલા ઝાલર કાછીના ખવરાવો ભર પેટ નહીં બને તમ માટ આ ભેંસ બલા કે વેઠ આજ્ઞા જેવી આપની એમ કહી થણદાર વંધ્યા ભેંસને લઈ ગયા દિવિર ગામ તે વાર આજ્ઞા સદગુરુદેવની ધારી શિર પર ચતુર ભાઈ કે ભેંસને લીલા ઝાલર તે કાપી લાવી કાછીથી ખવરાવે સપ્રેમ ગુરુ પ્રસાદી માનીને કરે ચાકરી તેમ ગામ લોક હાસી કરે ચતુર ભાઈની એમ વાંઝણી એવી ભેંસ પર શિદવર સાવો પ્રેમ દેશે નહીં આ વાંઝણી દૂધ તમને કોદન શિદને તમે વેડફો એની પાછળ ધન આમ લોકો હાસી કરી કરે કંઈક સૂચન છોડી મૂકવા ભેંસને આપે શિખામણ શ્રદ્ધા ચતુર ભાઈની કદી ચલિત ના થાય જેમ જેમ લોકો ખીજવે તેમ તેમ મજબૂત થાય અલખ કહે અવધૂતનું વચન ન ખાલી જાય શ્રદ્ધા રાખે ભક્ત તો ચમત્કાર સર્જાય સંત વચન શું ના કરે ઝાલર ખાતા જર જર વંધ્યા ભેંસ પણ એક દી જાંભણી થાય જોઈ જાંભણી ભેંસ આ લોકો વિસ્મિત થાય મોમાં નાખી આંગણા બોલે ધન ગુરુ રાય વીત્યા દિવસો કઈ અને વિયાઈ વંધ્યા વૃદ્ધ થાણદાર ને લોક કહે ભાવ તમારો શુદ્ધ દોણા ભરી ભરી દૂધ એ દેવા લાગી તૂર્ત અશક્યનું પણ શક્ય તે કર્યું આહા અવધૂત વંધ્યા ભેંસના દૂધનું ઘી બનાવી આમ જાતા થાણદાર તિહા નારેશ્વરને ધામ સદગુરુ ચરણે મૂકીને ઘી લોટો તે વાર વંદી બોલે લળી લળી ચતુર ભાઈ થણદાર ધન્ય કૃપા પ્રભુ આપની વિયાઈ વંધ્યા વૃદ્ધ પાડી જન્મી જઈ રહી દોણા ભરી ભરી દૂધ તુજ વચને આ વિશ્વમાં નથી કશું અશક્ય વંધ્યા ભેંસ પણ દૂજવી ધન્ય અવધૂત ધન્ય સુણી વચન અવધૂત જી હસી પડ્યા ખિલખિલાટ અરે ચતુર ભાઈ આ તમે ક્યાંથી લાવ્યા વાત ઝાલર તમે ખવરાવ્યા કરી ચાકરી શુદ્ધ તેથી એવી આઈને દેવા લાગી દૂધ
चमत्कार कई होय तो तमे कर्यो छे एव। हूँ तो अहीं बैठो रयो पोषी रयो मुझ देव। सुनी वचन सदगुरु तणा गद गद कंठे आम। चतुर भाई श्री चरण मां लेटी करे प्रणाम। वंध्या भैंस दुझ व्यातना चमत्कार नी वात। आजू बाजू ना गाम मां प्रसरी गई साक्षात। टोले टोला लोकना दिवेर गाम निमाय। दुजती जो वांझणी आव बला गया त्याय। अलख कहे सुन शीश हे पूर्वे मैं तने एम। कर्म कांड मा स्वामिनी लीला कहता तेम। एक विप्रनी वांझणी भैंस तुझानी बात। करी हती ते आज तने याद हसे साक्षात। केवी लीला आज कही दिवेर गामे एम। करी बतावी अवधूते भक्तो आगळे एम। अने करी बतावी खातरी भक्तो ने ते वार। के जनगण हित कारणे स्वयं दत्त अवतार। आव्या छे अवनी परे नत जन तारण काज। स्वयं दत्त आजे बन्या नारेश्वर नाराज। एम अही नारेश्वर विराजी सप्रेम। नित नित लीला अवनवी करी रह्या ताते। ते समे मारुक मांबा नारायण नी साथ। मुंबई मा रहता हता त्यजी सर्व विषाद। नारायण करता हता शिक्षक के रूका। भाटिया हाई स्कूल मा निष्ठा पूर्वक आम। शो कई कविद्यानी धीमे धीमे ज्याए। दुर्गम व्याधि प्रवेशियो नारायण तन माए। हशे पूर्व संचित कई नारायण नु एह। व्याधि रूपे आविने पीड़ वला ग्यु दे। स्थानिक डाक्टर वैद्यना विध विध औषध लेवा लाग्या तोय पण पड़े फेर नाते। जम जम लेता औषध त्यम त्यम व्याधि आह। वधवा लाग्यो शरीर मा देवा लाग्यो दा। शरीर क्षीण थतु गयु तकलीफ आपे श्वास। अन्नो दकले वायना निकले अतिशय कास। जोई पीड़ा पुत्रनी मानु हृद को राय। शुश्रुषा अविरत करे नयन जल उभराय। खान पान मन ना ठरे गमे न घर नु काम। दिकरा पासे बैसीने सतत स्मरे हरि नाम। राखी बाधा आखड़ी लीधा व्रत कठण। काल जिडू को राई रहयो निरखी ने निज तन। रात दिवस जोया विना सतत पथारी पास। पैसी रहता मावड़ी राखी चित उदास। भूख तरसनी ना पड़ी
त्यजी ऊंघ आराम, दिकरा केरी चाकरी करता माँ अविराम। दिकरो देखी जाय तो दिले नू दुभाय, ते माटे माँ हाँ सुने अंतर माँ पी जाय। ऊपर थी खोटू हसे अंतर लागे लहाय, कालज तो भड़ भड़ बड़े मुख मल कावे हाय। अंगुरु अंगुरु अवधूता तुम्ही ओम श्री दर्ता, अंगुरु अंगुरु अवधूता तुम्ही ओम श्री दर्ता। दुख देखी दिक रातनु माना अंतर माय, बमड़ो दुख ना थाय ते शीरी ते वर्णाए। वलो पात नारण तड़ो जोता मानु हाय, दिलडू दुखे धग धग अंतर वलवाय। आर्त अंतरे वल वली मारुक मांबाए, करे प्रार्थना इष्टनी नयने जल भरिते। शेरू ठ्या हे देव तमे मारो शो अपराध, कया कर्म नो आज तमे बदलो लो छो तात। हूँ अबड़ा अज्ञान ने विधवा साव अनाथ, अपार संसार मा तू विण कोई न साथ। यौवन मा विधवा थई पण बे दिकरा जोई, आखलड़ी ठारी हती या तो आफत होई। मोटो सुत साधु थयो गयो छोड़ी घर बार, जग त्यागी जग जन तणो बन्यो तारण हार। नारायण आनानडो रहो एक मुझ पास, मुझ हैया नो हार ए मुझ प्राण नो श्वास। तेने जोईने खारती मुझ हैयो ने आंख, उड़वा जग गगन माहती मारे एक ज पाख। एज पाख ढीली पड़ी खरवा लागी आह, व्याधि थी घेराई ने पड़ी पथारी माय। एनु व्याधि दे मने ओ जग ना करतार, लईने मुझने पण प्रभु तुझ सुतने उगार। मुझ अबड़ानी आखनु आचे एक रतन, खोड़ो पाथरु श्री धरा करजे एनु जतन। अनाथ विधवा तणो पाछे एक आधार, ए जता मुझ प्राण जशी अचूक निर्धार। नारायण नो व्याधिया दूर करो हे नाथ, दिन अबड़ानी विनती सुनो दीनानाथ। मारा लाडला लाल ने साजो कर जो नाथ, क्षमा करो अपराध मम फरी फरी जोड़ू हाथ। माजी प्रभु ने वीन वे करी आर्त पुकार, नयने छल छल जल वहे भैये जलन अपार। नाना नारायण आहा हता अतिशय दक्ष, रुकमांबानु दुखडू पामी गया प्रत्यक्ष। एक दी बैसी पथारिये धीमे धीमे एम, पत्र लख्यो अवधूत ने नारेश्वर माते। व्यापेला निज तन विषे व्याधि नु वर्णन, लख्यो बधु विस्तार थी करी मोकळू मन।
पची लखी माजी तणा हैया तणी वात पत्थर पण ए सूनता रवि जाय साक्षात पत्र गयो नारीश्वरे अवधुत जी नी पास अवधुत जी वाची गया झड़पे की श्वास पत्र पूरो वाचा पची क्या बैठेला भक्त श्री केशव लाल शेठ ने सीधो पोते हस्त पत्र वाचता शेठ नु काल जड़ू को राय नैने निर्वयानी गद गद कंठ रुंधाय क्या बैठेला भक्त सब तुर्त भेगा थाय पत्र वाचता सर्वना नैने जल उभराय दास काका नेवळी चतुर भाई खानदार नाथा भाई ने गौर सह तुर्त करियो विचार उभा थाओ अब घड़ी करो तैयारी सद्य अवधुत जी सहनी कड़ो मुंबई जावा अद्य समझावी माँ भ्रात ने तेड़ी लावो आए करशु सेवा शुश्रुषा रहे न खामी क्या स्वच्छ हवा आस्थाननी साथे रेवा नीर करशे व्याधि दूर ने खाशे स्वस्थ शरीर एम कही सहुआविया अवधुत जीनी पास चरणे माथु मुकिने पछी वद्या श्रीदास प्रभु निर्णय करो अमे भेगा मळीने आज निकली जाइए आप सह मुंबई जावा काज माजी ने वड़ी भाई ने समझावी सुपेर नारेश्वर मालावीए करिया बिना कई दे अहिनी स्वच्छ हवा अने रेवा जल अमृत सुश्रुषा अम सर्वनी सानिध्य अवधूत व्याधि नारण भाई नो रहे शे पछि ज्ञाय दर्दी ने आराम ने शांति मळशे आय माटे आज्ञा दो प्रभु थई जाओ तैयार अमने पण सेवा तणो जो कई अधिकार वचन सुनी हे दासना अवधुत थया प्रसन्न मर्जी सदगुरु देवनी कही उठ्या तत्क्षण बैभक्तो मुंबई गया अवधुत जीनी साथ बीजा अहिनारेश्वरे रही गया साक्षात की तंबू भू परे लीपी गूपी तेम सुंदर सगवड़ता भर्यू स्थान बनाव्यू एम खान पान पदार्थ ने वासन कूसन तेम घर वखरी सौ चीज त्या गोठवी दी थी तेम पलंग पाथर बाकी न राख्यो काई खुर्शी मेज पानस अने नानकड़ी चौपाई दीर्घ दृष्टा दासनी आसघड़ी चतुराई स्नान गृह संदासनी मुकी बाल दी ध्याय व्यवस्थित हे गोठव्यू जरा न खामी क्या त्री
જે દિવસે પૂજ્ય શ્રી લઈ માતને ભ્રાત નારેશ્વર આવી ગયા દૂર થયા વિષાદ દિવ્ય સ્થાને જોઈને માજી હરખ્યા મન નારણ ભાઈ પણ સ્થાનથી થયા ખૂબ પ્રસન્ન મુંબઈ ના ઘોંઘાટ ને ધમાલ થી સુદૂર નિર્જન વન એકાંત માં લાખ્યો હર્ષ પ્રચુર તાજી સ્વચ્છ હવાને નિર્મલ રેવા જલ સાત્વિક વાતાવરણ ની થાતી કઈક અસર પ્રખર ગ્રીષ્મ નો તાપ પણ શીતલ લીમડા છાય ચણાઈ ને આવે તિહા શીત સમીર લહેરાય આહલાદક એ લહેરીઓ શાંત કરે તન તાપ નારણ ભાઈ ના હૃદય માં થઈ શાતા અમાપ તન માં સ્ફૂર્તિ આવીને બે ત્રણ કોળિયા અન્ન દિવસ માં લેતા થયા સહુ થયા પ્રસન્ન ઓમ ગુરુ ઓમ ગુરુ અવધૂતા તુમ્યોમ તુમ્યોમ શ્રી દર્તા ઓમ ગુરુ ઓમ ગુરુ અવધૂતા તુમ્યોમ તુમ્યોમ શ્રી દર્તા કિંતુ વ્યાધિ આહતો જીવ લેણ દુષ્કર સડી ગયા તા ફેફસા હતી માત્ર અવધૂત ને તેથી એ અવધૂત નારણ પાસે બેસીને વાત કરે અદ્ભુત ઉપનિષદાદિક ગ્રંથ નું પ્રેમે કરે પઠન જેથી નારણ ભાઈ નું ચિત્ત રહે પ્રસન્ન અંત સમય ના રહે મન વિષયો માં આન સુનતા વાતો ધર્મની જાય શાંતિ થી પ્રાણ આમ તો નારણ ભાઈ નું રહેતું ચિત્ત પ્રસન્ન તોય ઊંડે ડંખ થી ચિંતા કઈક ગહન ચકોર દ્રષ્ટિ રંગની પામી ગઈ આબાદ છે નારણ ના વદન પર આછો કો વિષાદ પ્રસન્નતા ના તેજ ની પાછળ કાળી છાય ડોકા થી દીઠી અરે અવધૂતજી એ ધ્યાય અવધૂતજી સમજી ગયા નારણ ના હૃદ માહ્ય ચિનગારી ચિંતા તણી જલી રહી છે ક્યાં ચિંતા એની શી બીજી હોય માજી સિવાય માના દુખે ભાઈ નું કાળ જડું કોરાય એના મનમાં એમ કે કદી થાય મુજ અંત આ દુનિયામાં માજીનું કોણ રહેશે હંત મોટો તો બાવો થયો નાનો લે વિદાય અનાથ વિધવા માતનું કોણ જગતમાં થાય આ વિચારે ભાઈનું હૈયું ખદબદ થાય ખૂબ વિચારે અંતરે જડે ન કાઈ ઉપાય અંતરિયામી અવધૂતે અનુજ હૃદય નું દુઃખ ક્ષણભર માં સમજી ગયા થઈને અંતરમુખ પછી નારણ ભાઈ ની સામે બેસી એમ શાંતિથી મક્કમ સ્વરે બોલ્યા રંગ સપ્રેમ ચિંતા માજીની તમે જરા ન કરશો ભાઈ મુજ હૈયા ના હાર સમ રાખીશ રૂપમાં માઈ
करीश सेवा मातनी प्राणथी प्रिय गणीश एनी खातर जोग के भोग पण त्यजीश जी पण मुझने लागशे के मुझ त्याग थियाम मानो दिल दुभाय छे ते पण मारू तमाम त्याग तप व्रत छोड़ीने करिश नौकरी क्या आए मानु है उठारवा करिश यत्न सदा न चिंत थाओ भाई तमे करो न चिंता मन अंतर न उंडाण थी ते अवधूत वचन एम कही अवधूत जीए नारण ना कर माए निज कर मुँह की प्रेम थी खूब हलावी बाय एक बिजानी आँख माँ आँख परोवी एम सजल नयन बे भाइयो भेटी रया सप्रेम पल भर जाने भावनो छलक्यो सागर त्याए भाव सभर श्री राम ने भरत मण्या शुपाय जोता अनुपम दृश्या त्याजी बैठा भक्त भाव सागर मां डूबता थई गया सौ स्तब्ध जल झरता नयने बधा बोली उठ्या धन्य माता भ्राता धन्य छे धन्य प्रेम अनन्य अवधुत ना वचन थी नारण थया प्रसन्न हैये व्याप्यो हरखने नीर भराया नयन आनंद ना आवेश मा शक्यान बोली वचन हये टाढ़क वड़ी चिंता गई गहन हैया माटा ढक थई मुख पर खुशी छवाई शांति ना सरवर मही तन मन रयू बोलाई नारण भाई ना मुख पर जोई शांति अपार अवधुत ना अंतर विषे वहे हर्ष निधार किंतु हर्ष क्षणिक हतो पूछा तो दीपक जैम पूछा ता पूर्वे अरे वधु झबके छे तैम नारण निया प्रसन्नता छे छे लो झबकार अंतर्यामी अवधुत जानी गया तासार तीथी सर्वे भक्त ने सजाग करवा काज बारी बारी सूचनो करता सदगुरु राज जो जो नारण ने तमे वीलो मुकियाम जाशो ना क्या ए बीजे वैसो अही तमाम एम कही सौ भक्त ने बैसाड़िया ते ठाम पोते नारण भाई नी पासे बैठाम धूप सुगंधित थी बधु महकी उठ्यु स्थान दत्त दत्त नी धून मा सहु थया मस्तान वेद पाठ ब्राह्मण करे करे गीता पठन शंख घंट नानाद थी गाजी उठ्यु गगन संवत ओगणी सो अने बाणु निये साल जेठ सुदी नौम नो दिवस निरंजन बाल ग्रीष्म तणा मध्यान नो गगन गोड़ो कराल आग भयंकर ओक तो प्रज्वाले जगबाल ते समेरे वातिरे
नारेश्वर मां आह कराल काल को पियो नारण जीवन प्रवाह जीर्ण शीर्ण शरीर नु पिंजर छोड़िया नारण नो आत्मा गयो दिव्य धाम माध्याय दिव्य दुंदु भी गाजिया गगने थी स्वर्यान आव्यू ने हालई गयो नारायण ना प्राण प्राण गया नारण तड़ा जोता रुख मामाए कदली वृक्ष सम भू परे पड़िया दुख थी हाय हैया पाट रुदन करे अरे दैव रे हंत मारा लाडकड़ा तनो अरे ते आण्यो अंत पूर्व जन्म नु माहरू कयू नड्यू हे पाप मड़दू मारा लाल नु जोई रही हूँ आप अरे काल निर्दय तने दयान आवी लगार मुझ विधवानो झूठ व्यो हैया के रोहार फूटे छाती जोर थी पल पल मुरझा थाय शिर पर आभ तुटी पड़ियू शीरी दे सहवाय वेगे दौड़ी आविया नारण ना शब पास शिर पर निज कर फेर भी बोले तुटते श्वास दिक राते आशू करियू माने अधवच्याम एकलड़ी मुखी अरे शे चाल्यो स्वधाम बेटा मने पूछा बिना आज सुधी ते क्या आए डगलू पण दी धू न तू अने आज रे हाय ओम गुरु ओम गुरु अम धूता तुम्ही ओम श्री दत्ता ओम गुरु ओम गुरु अम धूता तुम्ही ओम श्री दत्ता पूछा वीण निज मात ने चाल्यो लांबे पंत आज्ञांकित ओ दीकरा सायो हंत शूखा मिला गीतने मुझसे वामा क्या आए मारा कोई बोल थे दिल दुभायु आहे कही दे के मुंगो थयो एक वखत तो बोल तारो हयो दीकरा पहला तो कई पूछता कर तो हास्य प्रचूर मध मीठा तुझ मुख थके सरता शब्द मधुर पट पट बोले इंग्लिश सांभळ ना राजन विस्मित थई जोया करे तारो मधुर वदन एवा मारा बोल का लाडकड़ाओ तन आजे केम मुगो थयो शेने लान वदन झीली ले तो दीकरा मारो पड़तो बोल सुई केम आजे रयो आँख जरा तो खोल पहला मारी आँखड़ी जराक भी नी थाय क्या तो तारा दिल मा उठल पाथल थाय उतारे तू आप थी तार लिया मुझ काज एवा मारा दीकरा के चेतन आज दीकरा केम दगो करो विधवा माने एम चलवड़ती मुखी अरे गयो एक लोके नारायण तारा बिना कोले मुझ संभाल शेर है वाशे एक लू तारा विण ओ बाल कर्म कठन छे माहरा तारो शो भाई वाक
विधवा मृत सुता अरे मुझ दुख ना नहीं आक। घुमा व्यू भर यौवने निज पति नु सुख तोय हयो ठारती जोई सुत ना मुख। मोटो त्यागी छो थयो जोई तुझने आम निरखी निरखी राखती मुझ हैया माहाम। आश हती के तू अही करशे लग्न सुपेर मंगल बाजा वागशे वहु आवशे घेर। सासू माँ मुझने कही करशे प्रेम प्रणाम बोजो मारो उतरशे करशे घर नु काम। दिकराने घर दीकरो थशे रूपाळो पुष्ट एना लालन पालने थशे दादी मारुष्ट। भंडार्या है ये हता एवा कई अरमान क्या तो काले झूठ व्या दिकरा तारा प्राण। क्रूर विधाता ए अरे प्रगटावी यही आग पाड़ी भस्म करी दिधो मुझ अरमान नो बाग। अरे प्रभु आशु थयु नारायण सिवाय मुझ थी आ संसार मा पलपण नहीं जीवाय। मुझ नैनो नू नूरे अंध नीलाठी जान नारण जाता नहीं रहे मारा तन मा प्राण। रुदन सुनी रुक मातणु पत्थर पिघली जाय कौन बिचारो मानवी हैया हाली जाय। झाड़ पान ये स्थान ना वेली वृक्ष वड़गेल रुसके धुसके रड़ी पड़या भूली निज नो गेल। पक्षी कूजन छोड़ीने करी रह्या रुदन मोर को किला डूबिया शोका भीमा गहन। के कारव कलरव अने यजी मधुरा सुर मारुक माना रुदन थी थया शोक चकचूर। सूरज पण ना सही शक्या मारुक मानु दुख बादल ना आंचल नीचे दिधु छुपावी मुख। धरती नो कण कण रड़े रड़ता रे वानीर जड़ चेतन ने प्रकृति थया शोक गंभीर। शोक सागर मा डूबिया हता भक्त जे त्याय चौगर दम आंसू तणो महासागर छलकाय। पशु पक्षी मानव अने झाड़ पान पाषाण नारेश्वर मा सर्व पर शोक नो पंजो जान। परी वड़ो को कोई ने शूदे आश्वासन चौगम सर के आसुने चौगम थाए रुदन। अलख कहे सुन शीश है आँखों नारेश्वर शोक सागरे डूबी गयो पण पेला मुनिवर। ए तो स्थिर नयने आहा माया नो आखेल तटस्थ शाजोया करे मन बिन क्या मन मेल। चंदन नीची तारची रेवा तीरे त्याय स्थूल पिंजर नारण तणु सुवाड़ियो चीता माय। अग्नि दाह पोते दिधो भड़ भड़ ज्वाला आग
हरखी गई तन भाई नू करी पलक मा खाख मात भक्त ना शोक नू शेखाए वर्णन जो पण अवधूत जी ओभा निश्चल मन मोह शोक ना एहने द्वैता द्वैत थि पर उभो अडग अवधूत ए गजब शांति मुख पर ती वेड़ा अवधूत ना मुख सरोज थिया वाणी टपकी गे बित्या भाग्या भेद तमाम ना दोस्त दुश्मन कोई हमारा हम सदानी संगी है सच्चिदानंद हम ही प्यारे ब्रह्म केवल हम ही है ना जन्म है ना मृत्यु है ना बंध है ना मोक्ष है जो है सो हम है ना जुदा है आदम खुदा की जात है एन अगमनी ओ चरी वाणी श्री अवधूत करी अंतिम क्रिया बधी रही शांत अद्भुत रीवा जल माती पछी करियो सचैल स्नान आव्या ऊपर भक्त सह करता हरि गुण गान छाई छे गमगीनता आखा स्थान निम्हाय दिन कर दुखे डूबता अस्ता चल निम्हाय दिन कर डूबता विश्व मा थयो गहन अंधार अहि माना हैया मही व्याप्यो हा नाना नारण ने करी परी परी त्यायाद मारुक मांबारडी रह्या व्याप्यो बधे विषाद माना जलता रुदय ने कोण करे हाशांत आश्वासन को दे शके कौन हरे द्वांत मानु मन मनाववा देवा आश्वासन सद्गुरु श्री अवधूत जी स्वयं विचारे मन तिथि तुरत उभा थया जावा माजी पास अवधुत साथी चालिया केशव लाल निदास आगल ना अध्याय मा स्वयं दत्त अवधूत माजी ने संभळावशे ज्ञान अति अद्भुत निमित्त करी बालक तिहा स्वयं सद्गुरु रंग ग्रही हस्त लखावता उरे भरता उमंग एनी लीला लहे दी जाने शो ख्याल छुपो रही नाटकी दई रहो छे ताल श्री रंग पादार विंद मिलिंद चुनीलाल बाल गोविंदो पाध्याय रचिते
श्री रंग लीलामृते अलख निरंजन संवादे नारेश्वर स्थान लीलायां नारायण स्वधाम गमन नाम अष्टत्रिंशोऽध्यायः।